दोस्तों किसी समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनका नाम राजू था। राजू की पत्नी का नाम सीता था। वे दोनों बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कभी कभी समस्याएं आती रहती थीं। वे अपने दिनचर्या को निरंतर संभालते रहते थे और भगवान की पूजा अर्चना में भक्ति रखते थे। एक दिन राजू के पिता की मौत हो गई। यह घटना राजू के लिए बहुत ही दुखद थी। अब वह अपने परिवार का एकमात्र संभालने वाले बन गए थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी और वह परेशानियों से जूझ रहे थे। राजू ने सोचा कि शायद भगवान की कृपा से उनकी समस्याएं हल हो सकती हैं। उन्होंने तय किया कि वे काली माँ की पूजा करेंगे। रात को जब सब लोग सो गए तो वह अकेले मंदिर में गए और काली माँ की पूजा करने लगे। उन्होंने भगवान को अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रार्थना की। काली माँ ने राजू की प्रार्थना सुनी और उन्हें आशीर्वाद दिया कि अगले दिन से ही राजू की किस्मत बदल जाएगी। उन्हें अचानक से अनेक अच्छे मौके मिलने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। राजू ने समझा कि भगवान की कृपा और विश्वास में बहुत बड़ा महत्व होता है। उन्होंने यह भी समझा कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मगर अगर मन में विश्वास हो तो सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। दोस्तों इस प्रकार राजू ने काली माँ के चमत्कार से अपनी समस्याओं का समाधान पाया। उनकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान की पूजा करने से और उनमें विश्वास रखने से हमारी समस्याएं हल हो जाती हैं। हमें बस इस पर विश्वास और संवेदनशील बनाए रखना चाहिए। दोस्तों अगर आप काली माँ के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।